खरगोश और कछुआ। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। उनकी बड़ी दोस्ती थी। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा कि चलो हम रेस करते हैं। कछुए ने कहा, नहीं, मैं कैसे रेस करूंगा तुमसे? तुम तो बहुत तेज़ दौड़ते हो और मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। तो खरगोश उस पर हंसने लगा, हा हा। कछुए को बड़ा दुख हुआ। कछुए ने कहा, ठीक है भैया, चलो रेस करते हैं। और दोनों में रेस शुरू हो गई। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कछुआ अभी बहुत दूर था। उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। और वो पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता चलता धीरे धीरे चलता 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 रहा और उसने केवल अपने लक्ष्य को देखा। उसे लक्ष्य दिखाई दे रहा था जबकि खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही खरगोश की आँख खुली, खरगोश ने कहा, अरे कछुआ तो पीछे नहीं है। उसने आगे देखा, कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुँचने ही वाला था। खरगोश ने दौड़ लगाई, परंतु जब तक कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुँच चुका था, खरगोश पीछे ही रह गया था। हाथी राजा ने कछुए को पहला इनाम दिया और सबने मिलकर तालियां बजाई। खरगोश को आगे करो। तब हाथी राजा ने खरगोश को बताया कि बच्चों, कभी भी हमें अपने काम को बीच में छोड़कर सोना नहीं चाहिए और अपने काम को लगातार करते रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होती है। सभी ने मिलकर तालियां बजाईं।